सो भैया एल्बम का सीजन 2 रिलीज हो चुका है एंड जिन लोगों ने भी इस सीरीज का पहला सीजन देखा हुआ है उन लोग के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस थे कि भैया सीजन 2 के अंदर हम लोग को मेकर्स किस तरीके की कहानी प्रेजेंट करने वाले हैं। अब देखो अगर बात करें सीजन 2 की तो इस बार भी आप लोग को टोटल 6 एपिसोड देखने को मिलते हैं, लेंथ आप लोग को 40-50 मिनट्स का वेरी करती हुई देखने को मिलेगी। एंड यस हिंदी लैंग्वेज में भी शो को ड्रॉप कर दिया गया है अच्छी डबिंग के साथ। बात करें सीजन 2 के लाइक प्लॉट की तो आप लोग को जो कहानी है वो डेफिनेटली कंटिन्यूएशन फेज में ही देखने को मिली है एंड इस बार आप लोग को एक टाइम जंप भी मेकर्स ने प्रेजेंट करा हुआ है। अब देखो अगर आप लोगों ने पहले सीन को देखा था देन आप लोगों को पता होगा कि एरोहेड एंड लाइक न्यू ट्रुथ नाम का एक आप लोगों को इधर ग्रुप देखने को मिलता है, मतलब कि दोनों की एक दूसरे से बनती है नहीं। एंड इस बार आप लोगों को सीन 2 के अंदर देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो अपना न्यू ट्रुथ है उसने लोगों के बीच में अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो खोई है एंड वही दूसरी तरफ जो एरोहेड है उसका इन्फ्लुएंस लोगों के बीच में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अब देखो जो लोग एरोहेड के साथ जुड़े हुए हैं वो ऐसे लोग हैं जिनको भाई दंगा वंगा करने में काफी ज्यादा मजा आता है एंड इनकी वजह से जो लाइक पूरा लॉ है वो बिगड़ चुका है एंड इसी वजह से वहां की जो गवर्नमेंट है वो न्यू ट्रुथ के साथ मिलकर कुछ ऐसे प्लान कर रही है जिसकी वजह से एरोहेड को थोड़ा सा लाइक साइड किया जा सके। एंड क्या अब ये लोग अपने प्लान में सक्सेसफुल होंगे ये तो एक मेन प्लॉट रहेगा ही सीजन 2 के अंदर। प्लस इसी के साथ ही जो कहानी में मेन ट्विस्ट है वो तब आता है जब पता चलता है कि जिनसू जो है उसका भी रिटर्न हो चुका है। अगर आप लोगों ने पहला सीजन देखा है तो इन भैया को भी लाइक जो हेल से आए थे जल्लाद उठाकर लेकर चले गए थे लेकिन अब ये जो भैया है वो जिंदा हो चुके हैं तो इनकी वजह से भी काफी सारे कांड सीजन 2 के अंदर आप लोग को देखने को मिलेंगे। एंड ये जो मैंने आप लोग को बताया कोई स्पॉइलर नहीं है, आप लोग को इसके ट्रेलर में भी देखने को मिल जाता है। अब देखो सीजन 2 के अंदर मेकर्स ने कुछ चीजें हैं जो रिवील करने की कोशिश करी है जो भाई मेन क्वेश्चन बन गए थे लोगों के सीजन 1 के अंदर कि ये जो जल्लाद हैं वो किस वजह से लोगों को उठाकर लेकर जाते हैं एंड जब ये लोग वहां पर हेल में जाते हैं तो इनके साथ होता क्या है एंड क्या रीजन है कि जो लोग वापस से जिंदा हो जाते हैं। तो अगर आप लोग को ये सब भी जानने में इंटरेस्ट था देन आप लोग सीजन 2 को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। हालांकि अभी सारे क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो सीजन 2 के अंदर आप लोग को देखने को नहीं मिलेंगे। अब देखो अगर मैं बात करूं मेरे अपने एक्सपीरियंस की तो मेरे को जो सीजन 2 है वो लाइक ठीक ठाक लगा है। ऐसा नहीं कि आप लोग को सीजन 2 के अंदर बहुत कुछ मेकर्स ने दिखा दिया है। स्टार्टिंग के जो लाइक 4 एपिसोड है वो तो भाई बिल्डअप में ही निकल जाते हैं, जो मेन मसाला है वो आप लोग को आखिरी के 2 एपिसोड के अंदर देखने को मिलता है। टिपिकल कोरियन स्क्रीन प्ले इधर आप लोग को देखने को मिलेगा जहां पे मेकर्स ने ज्यादा फोकस पहले लाइक बिल्डअप पे दिया है देन आखिरी में फिर आप लोग को एक ऐसी जगह पर छोड़ा है जहां पे फिर से आप लोग के दिमाग में जो क्वेश्चन है वो उठ जाते हैं। प्रोडक्शन की बात करें तो सीन 2 मेरे को भाई ठीक ठाक लगा है। वीएफएक्स के इश्यूज भाई पहले सीन के अंदर भी थे एंड वही सेम चीज आप लोग को सीन 2 में भी देखने को मिलती है एंड कोरियन शोज में आप लोग को तगड़े वीएफएक्स देखने को भी नहीं मिलते हैं तो ये मेरे लिए कोई मेन इशू नहीं था। जो कैमरा वर्क है एंड जो एक्टर्स की परफॉर्मेंस है वो बढ़िया होनी चाहिए एंड वो चीज आप लोग को सीन 2 के अंदर भाई डिलीवर भी हुई है। सो वीडियो के एंड में अगर सीन 2 को मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूं तो मेरे को लगता है कि जिन लोगों ने पहले सीन को देखा था उन लोग के लिए सीन 2 देखना लाइक जरूरी हो जाता है बिकॉज यहाँ पे आप लोग को चीजें ढंग से समझ में आएंगी कि मेकर्स पहले सीन के अंदर बताना क्या चाहते थे एंड इस स्टोरी का मेन पर्पस था क्या। लेकिन जो नई ऑडियंस है उनको मैं यही बोलूंगा कि अगर आप लोगों को कोरियन शोज जमते हैं तभी आप लोग भाई इसके पहले सीन से इसको देखना स्टार्ट करना, अदरवाइज आप लोग को टाइम बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा लेकिन जो आप लोग को आउटकम देखने को मिलेगा वो शायद आप लोग को बहुत ज्यादा अच्छा ना लगे। बाकी सीन 2 को अगर मैं अपनी रेटिंग देना चाहूँ तो मैं इसको दूंगा भाई 3.5 out of 5 star। बाकी आप लोगों ने अगर सीन 2 को देख लिया देन आप लोग बताना आप लोग का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है देन इसको लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूँ आप लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय, पीस ऑफ।